अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में, जो कि पहले लैलपुर के नाम से ये शहर जाना जाता था। नाज़रीन, ये फैसलाबाद शहर पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर माना जाता है और पंजाब की आबादी के लिहाज से ये दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। नाज़रीन, आप इस वक्त जो मेरे अकब में देख सकते हैं, ये है फैसलाबाद का घंटाघर। वैसे तो यहाँ पर और भी दीगर बहुत सारे मशहूर जो तारीखी इमारात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शोहरत हासिल है तो वो जो मेरे अकब में है, फैसलाबाद का घंटाघर, ये माना जाता है। ये वो इमारत है जो कि बरतानवी राज के दौर से आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है और इसकी बुनियाद 14 नवंबर 1903 को उस दौर के अंग्रेज़ का, जो कि पंजाब का गवर्नर था सर चार्ल्स रिवर्स, उसने रखी। और इसका आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन है वो गंगा राम ने किया। और नाज़रीन, इसकी तामीर से पहले यहाँ पर एक कुआं होता था जिसकी भराई के लिए ख़ास किस्म की मिट्टी जो कि सरगोधा से लाई गई और उससे ये वो कुआं भरा गया। उसके बाद इसकी तामीर का काम शुरू किया गया। नाज़रीन, चार मंजिलों पर मुश्तमिल इस इमारत की कुल लंबाई तकरीबन 100 फुट के करीब है और अंदर की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो घड़ी बनी हुई है, इसको चलाने के लिए, इसको चाबी देने के लिए ये सीढ़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, इस किस्म की इमारात पिशावर, सखर और दीगर मुल्तान और दीगर इलाकों में भी हैं, लेकिन चूंकि इसको ज़्यादा शोहरत इस वजह से भी हासिल है कि आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं कि 8 रास्ते हैं, जो कि शहर के किसी भी तरफ से आप अंदर आएंगे तो आपको हर रास्ता इस घंटाघर की तरफ से आता हुआ नज़र आएगा। और इसकी वजह, इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात भी ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें फैसलाबाद में कभी रास्ता भटक जाएं, तो आप घंटाघर आएँ और यहीं से आप दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। और सबसे जो अहम और ख़ास बात इसकी है वो ये है कि ये घंटाघर आज भी अपनी उसी असल हालत में मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी फैसलाबाद की घंटाघर की हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की किसी और तारीखी इमारत के बारे में उसकी हिस्ट्री बताएंगे। मुकद्दर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।